हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप देख पा रहे हैं इंटेक्स का 301N FMU मॉडल का एक बूफर है जिसमें सप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। पावर देने के बाद भी इसका पावर ऑन नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, सभी स्क्रूज को रिमूव करके इसको खोल लेना है। उसके बाद सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो है आपका स्विच चेक करना है, वायर चेक करना है, ये दोनों ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लगा कैपेसिटर ट्रांसफार्मर चेक करना है। उसके बाद आगे आपको डायोड और कैपेसिटर चेक करना है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए। उसके बाद आप एसी लीड यानी ये वाला जो वायर है इसका जांच कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए रेड और ब्लैक दो वायर आए हैं, तो एक पे रखिए। आप देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपका बिल्कुल आ रहा है सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे अभी नहीं आया, मैंने ऑन किया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हुआ, यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब आपका स्विच सही है। अब आपको ये वाला करना है, ठीक है, यानी ब्लैक पे स्लीव लगी हुई है, तो आपको स्लीव थोड़ा सा आगे या फिर पीछे जिधर भी स्लीव आ जाए उधर कर देना है। अगर नहीं हो पाए तो आपको थोड़ा सा हीट देना है, इसको हीट भी देके आप इसको घसका सकते हैं या फिर कट करके भी हटा सकते हैं, ठीक है। हीट देने से ये घिसक जाएगा। अब देखिए ब्लैक वाले के लिए एक यहाँ रख दीजिए, ठीक है, कोई भी यहाँ नहीं आया तो इस पे चेक करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी सप्लाई नहीं बन रही है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे आप गौर करिए, शायद यहाँ से इसका एक वायर कटा हुआ है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक से रीडिंग कुछ मिल रहा है। इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर चेक करने का भी मैं तरीका बताता हूँ। ये दोनों रेड वाले पे लगाना है आपको, एक यहाँ हो गया और देखिए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ हो गया, लगभग 100 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए जो कि सही है। आपका ट्रांसफार्मर सही है, आपका यहाँ से तार कटा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके फिर दोनों वायर को चेक करता हूँ। ठीक है, रेड वाला तो चेक किया जा चुका था, अब ब्लैक वाले को चेक करना, लेकिन फिर भी मैं देखिए पहले रेड वाले को चेक करता हूँ। रेड वाला जो कि सही है, यहाँ पे भी स्विच के पास भी सही है। अब देखिए ब्लैक मैं यहाँ रखता हूँ, अब ब्लैक पे चेक करता हूँ। देखिए अभी रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब आपका यहाँ से खराब था जिस कारण ऐसा हो रहा था। अब आपको क्या करना है, इसको सही से छीलना है ब्लेड की सहायता से, फिर उसके बाद आपको कनेक्शन करके देखना क्या है, आपको रीडिंग मिल रहा है ट्रांसफार्मर में भी, प्राइमरी वाइंडिंग में 100 के आसपास आ रहा है रीडिंग, आपका बूफर बिल्कुल काम करेगा। मैं फिर भी आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो मैं नहीं रोक रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो फेक है। डिस्प्ले देखिए इसका, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसका पावर आ चुका है। इसका मतलब सिर्फ यहां से खराबी होने के कारण ये काम नहीं कर रहा था। अगर आप मार्केट ले जाते तो हो सकता था कि आपको
बोला जाए कि ट्रांसफार्मर खराब है या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप खुद से करें तो कम से कम खर्च में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।